तो यार आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग ब्लूस्टैक्स 5 के अंदर फ्री फायर की बेस्ट से बेस्ट सेटिंग कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो करने तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यार तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा ब्लूस्टैक कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि अभी मैंने ब्लूस्टैक इंस्टॉल की और इसकी कोई भी सेटिंग नहीं की। तो चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग, देख लो दोस्तों मैंने कोई भी सेटिंग नहीं की। और गाइस आज हम लोग ये सारी सेटिंग करने वाले हैं और आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि सेटिंग करने के बाद लैग को कैसे फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी अच्छा ना हो उसको बंद कर देना, क्लियर क्लियर कर लो दोस्तों। अगर आप लोग चाहो तो इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग में चले जाना है और जो फ्रेम रेट है ना, फ्रेम रेट इसको 30 पे क्लिक कर देना है और आने वाले सारी फ्रेम रेट को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सीपीयू एलोकेशन में चले जाना है। सीपीयू एलोकेशन मैं बता दूँ आप लोगों को क्या होता है, बेसिकली कोर होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि कितने कोर का हमारा पीसी। अगर तुम्हारे पास 4 कोर हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि 4 ही रहने। तो उसके लिए तुम लोगों को टास्क बार पर क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे जाना और इधर परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपको कोर दिख जाएंगे। मेरा पीसी 4 कोर का, तो मैं 4 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, रैम, ये होती है रैम। आप लोगों को देखना है कि आपके पीसी में कितनी रैम है, उसको आधा यहाँ पे लगा देना है। वैसे मेरी 10 GB रैम है, मैं चाहूँ तो इधर 8 GB भी लगा सकता हूँ, बट मुझे 4 GB पे ये कंफर्टेबल फील होती है तो मैं ये 4 GB लगाता हूँ। तो आप लोगों को भी इस तरह से रैम लगा लेनी है। वैसे तुम लोग 1 GB भी खेल सकते हो, कोई भी लैग नहीं करेगा। इसके बाद तुम लोगों को सेटिंग को सेव कर लेना है और एमुलेटर को रिस्टार्ट कर लेना है। तो गाइस दोबारा से चले जाना है सेटिंग के अंदर। इसके बाद बारी आती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले तो रखना है 1280x720, ये वाला डिस्प्ले आप लोगों पर रखना है। उसके बाद DPI की यार बात बारी आती है। वैसे ये पहले होगी 240 या 160 हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ 499 रखो, 499। इस पर आई साहब इतना अच्छा रिवार्ड आया कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है। तो गाइस इस बार फिर से चले जाना है सेटिंग के अंदर। थोड़ी बहुत सेटिंग आती हैं जो अभी बताएंगे, तो सेटिंग में चलो फिर बताता हूँ तुम लोगों। गाइस इसके बाद बारी आती है डिवाइसेस की। अगर आप लोगों के पास जो स्पीकर है उसको सेलेक्ट करो और जो माइक है उसको सेलेक्ट करो। इसके बाद तुम लोग नीचे चेक कर सकते हो। तो बाद में आ जाना है आप लोगों को ग्राफिक मोड में। और पहले नंबर पर कंपेबिलिटी और परफॉर्मेंस है, इसमें परफॉर्मेंस पर क्लिक कर लेना है। और ग्राफिक रेंडर में ओपन GL को रहने देना है। ओपन GL और डायरेक्ट एक्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि अगर आप लोगों के पास ग्राफिक कार्ड है तो आप डायरेक्ट एक्स कर के ऊपर क्लिक करो, अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ओपन GL पर क्लिक करो। इसको ऑटो रहने देना है, सॉफ्टवेयर डिकोड उनको जैसे वैसे रहने दो। दोबारा फिर इसको सेव करके रिस्टार्ट कर। इस पर फिर से साइड में चले जाना और देखना कोई सेटिंग अभी फंस तो नहीं गई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो जो सेटिंग किया तुम लोग वो भी देख सकते हो यहाँ पे, कौन सी सेटिंग मैंने बन रखी है कौन सी, मतलब सेम ही करना है आप लोगों को। तो गाइस अब बारी आती है फ्री फायर की सेटिंग की। तो चलो फ्री फायर को स्टार्ट करते हैं। इतना जल्दी यार स्टार्ट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ्री फायर तकरीबन स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी बहुत सेटिंग है इसमें बेसिकली यार, थोड़ी बहुत, वैसे तुम लोग भी सीख जाओगे, देखते रहो यार बस देखते रहो। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है फ्री फायर। हेलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वैसे तुम लोग देखो काफ़ी हद तक लैग में फिक्सिंग आ गया, तो इससे बेहतर लैग फिक्स करते हैं। इसके बाद आप लोगों को सेटिंग में चले जाना, जो जो सेटिंग में आप लोगों को दिखाऊँ ना बहुत से देखना। सबसे पहले तो बारी आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अपनी मर्जी से सेट करना, कंट्रोल में जाके गाइड में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कंट्रोल है, फ्री सेट कम है, टू थ्री, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। और ये सेटिंग करने के बाद आप लोग की मैपिंग में चले जाना, आप वो भी मतलब बटन लगा ले पहले तो ये देख लो। उसके बाद गाइड जो मेन आती है डिस्प्ले के पास, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप अल्ट्रा करोगे तो लैग होगा, नहीं यार कुछ नहीं होता, सारा अल्ट्रा ही कर दो। लो एंड पीसी भी अल्ट्रा करोगे तो कुछ नहीं होता, मेरा खुद का लो एंड पीसी है, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। और अगर नेटवर्क का गुस्सा है तो ये प्री वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना। और गाइस मैं तुम लोगों को, और देखो यार कितना लैग फिक्स हो चुका है, कितना लैग फिक्स हो चुका है। पहले मेरा स्टैंडर्ड पे था तो लैग हो रहा था। तुम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो यार,
आज मैं तुम लोगों को एक जादू भी दिखाने वाला हूँ बेसिक में जाके। देखो दो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ओके किया, और देखना क्या जादू होता है अभी। देखो मेरी सेंसिटिविटी वापस आ चुकी है दोस्तों। ऐसे ही सेंसिटिविटी मैंने सेव की हुई थी, अपलोड की हुई थी, डाउनलोड पे क्लिक किया तो वापस आ गया। आप लोग भी कर सकते हो, जानना चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, इसके लिए भी देख सकते हो। मतलब जो सेटिंग मैंने की उसको अपलोड पर क्लिक किया बस, स्कोपिंग। तो यार तुम लोग ये देखो, मैंने सब कुछ हाइड किया हुआ इधर, तुम लोग भी हाइड कर सकते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ना, सोच भी अच्छी लगे, वही करनी चाहिए इंसान। इसके बाद दोस्तों आगे सेटिंग करते हैं हम लोग, चलो इसको बैक करते हैं। गाइस अब बारी आती है की मैथड। राइट साइड में आप लोगों को ये जो कीबोर्ड वाला बटन दिख रहा है, इस पे एक्स और वाई सेंसिटिविटी। एक्स सेंसिटिविटी वो होती है जो आप डायरेक्ट करते हो, और वाई सेंसिटिविटी वो होती है जो लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हो। आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा माउस है तो एक्स सेंसिटिविटी कम रखो, वाई भी कम रखो, लेकिन अगर मेरी तरह बुरा माउस है तुम्हारे पास तो इस पर ज़्यादा रख सकते हो। ऐसे यार इतना भी बुरा नहीं है मेरे पास माउस, क्या सोच रहे तुम लोग। और इसके बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना, तो आप लोग आ जाओगे की मैपिंग के अंदर, तो आप मन के की मैपिंग कर सकते हो। तुम लोग मेरे यहाँ पे प्रीसेट बना हुआ, तो मैं वो सिलेक्ट कर ले। बोलो यहाँ पे हमारा हो चुका है, तुम लोगों को मैं सेटिंग के अंदर भी दिखाऊँ। देखो देखो दोस्तों, देखो तुम लोग, यार मैं 3.75 पिक करता हूँ, और मेरा सेंटी। तो चलो यार ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चल के तुम लोगों को एक्स और वाई समझा करो। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, अभी जो ये मैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये है एक्स। देखो दोस्तों ये एक्स सेंसिटिविटी, और इसके बाद तुम लोगों को वाई सेंसिटिविटी बताऊंगा, लेकिन तुम लोग ध्यान से देखो। देखो इतना अच्छा मूवमेंट है ये एक्स और एक्स सेंसिटिविटी भी। ऐसे अगर मैं ज़्यादा रखूँ तो ज़्यादा मूवमेंट रोक एफेक्ट भी बन सकता हूँ, लेकिन इतना काफ़ी है यार। तो आप, मैं तुम्हें लोगों को दिखाता हूँ वैसे सेंसिटिविटी। देखो ये मैंने ऊपर क्लिक किया, ये वैसे सेंसिटिविटी रेंज। तुम लोग भी इसको बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो, मुझे इधर सही लगता है तुम उधर ही। वैसे ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ये एपिसोड 2 था हमारा यार। और इसके बाद थोड़ी बहुत इसको बढ़ाते हैं हम लोग। हेलो यार बढ़ा दो, ऐसे तुम लोग पहले भी देख सकते हो हर शूट, और आप भी देखना कितना अच्छे लगते हैं शूट। देखो यार तुम्हारा भाई प्रो है यार, तो तुम मुझे गलत कमेंट करते हो, वो भाई भाई क्या मारता हूँ मैं। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, नमस्ते।